और सब लोग इतने एक्साइटेड है। देखो सोनल दी भी आ गई, इधर आओ देखो सोनल दी भी आ गई, और बाहर देखो कितनी सारी पब्लिक बैठी है। हाय बच्चे, तू किसका वेट कर रहा? पिज्जा। अरे अगला भी क्या आने वाला है न्यूज़ पे? तेरा और इंटरव्यू आने वाला है। एक मिनट, इंटरव्यू आने वाला है। बच्चे एक्साइटेड? सोनल दी एक्साइटेड? मम्मी 10 मिनट बाकी है यार, बस इधर आओ। मम्मी ये देखो, मम्मी का न्यू नाइट ड्रेस कितना मस्त है ना, कितनी क्यूट दिख रही है अभी देख रही क्या? मम्मी आर यू एक्साइटेड? हाँ बहुत ज्यादा। मैंने सबको फोन किया, सबको मैसेज किया, स्टोरी भी डाली। वाह, आप सब लोग देखें। देखो सब लोग बस वेट कर रहे हैं। सोनल दी कितना टाइम बाकी 8 बजने के लिए बता? 2 मिनट, बस 2 ही मिनट बाकी अभी 8 बजने के लिए। जल्दी से मैं ना मेरे अम्मा एक बोतल दूध पी लेता, उसके बाद में मैं भी ये नई इंटरव्यू देखूंगा। हो गया स्टार्ट। अपन सगळेजण नवरात्र उत्सव साजरा करतोय। हा उत्सव तिचा ती परंपरा, प्रतिष्ठा आणि अनुशासन या गुरुकुलाच्या नियमांची पायिक आहे। ती नव्या पिढीच्या लाखो फॉलोअर्सची नायिका आहे। तुम्हाला प्रश्न पडला असेल, कोण आहे ही? चला तुम्ही तिला सोशल मीडियावर पाहिलंच आहे, आज तिच्याबद्दल तिच्याकडूनच जाणून घेऊया। स्टारडमची सर्व गणित तोडून मोडून टाकणाऱ्या सोशल मीडियाची ही स्टार आहे। औरंगाबाद शहरात राहणारी पण देशातील लाखो फॉलोअर्सची रोल मॉडेल आहे। ही देशातील एक सुप्रसिद्ध युट्यूबर आहे। तिच्या फॉलोअर्ससाठी या आहे बिनधास्त काव्य। काही झालं ह्याच्यामध्ये करिअर झालं तर ठीक आहे, नाही तर जसं तुम्ही मम्मी तिला एक अट टाकली की मला तुमचं ग्रॅज्युएशन पाहिजे आणि मला पोस्ट ग्रॅज्युएशन पाहिजे, ते तुम्ही आर्ट्स मध्ये करा किंवा कॉमर्स मध्ये करा किंवा सायन्स मध्ये करा, मला शिक्षण पाहिजे, एकही वर्ष ड्रॉप न होता। काळ बदलला तशी पिढी बदलली आहे। अर्जुनाचे आज प्रश्न बदलले, कृष्णालाही उत्तर बदला दिला। आपण बघितलं आजची पिढी बोल्ड आहे, बिंदास्त आहे, फास्ट आहे आणि गो गेटर आहे। मुझे हमेशा से लगता था कि मैं टीवी पर आऊं और देखो आज वो सपना पूरा हुआ। मैं टीवी पर हूं और मेरी स्टोरी हमारे डेप्यूटी सीएम की वाइफ मिसेस अमृता फडणवीस कवर कर रही है। क्या ये अचीवमेंट नहीं है? पास में आ जाना मैम, मेरा एकदम प्रॉपर है ना डांडिया वाला लुक करके देने वाले हैं। मेरे को तेरे से एक गिफ्ट चाहिए। क्या? मेरे को एक सीटी चाहिए। कल ही ला के दी थी, जा यार इसने घुमा दी। ठीक है, हाँ तो तेरी गलती है उसमें, मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ हाँ नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती। किस किस के भाई ऐसे जो भी लाए सामान वो घुमा देते हैं और फिर वापस मांगते हैं, वैसे मत कर। हाँ तो मैं क्या बोल रही थी कि आज मैम है ना पूरा डांडिया वाला लुक करके देने वाले, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और हाँ आउटफिट वगैरह सब मैम ने निकाला है, ज्वेलरी वगैरह, तो अभी मैं तो रेडी हूँ। मुझे क्या है वहाँ पे जाके बस है ना लुक करना है, तो चलो फिर हम लोग चलते हैं। और आज देखो मैंने क्या पहना है, पापा का टी शर्ट। चिकू भी आता लेकिन चिकू भी सो रहा है, तो आप चलोगे आज छोड़ने? नहीं नहीं, मामा के साथ में जाओ। तो
तो आप शाम को गरबा में जाएंगे? वाह, आज हम गरबा में जाएंगे। मैं भी आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, तू भी आ रहा। पापा हाँ? कुछ तो बोलो, मम्मी आज कितनी सुंदर लग रही है। बाद में बोलता। आ गई मैं भी, मम्मी रील्स बना रही है। बनाओ मम्मी बनाओ, हम हैं आपके साथ। दादा नहीं है घर पे, दादा गया भूर। चीकू पप्पी पप्पी देना देना। कुछ नहीं होता, तू मेरा भाई है, ऐसे में जाते ना। हाँ। चिको तो बजा। अरे वो तोड़ देंगा ये। As usual, हमेशा की तरह मैं बहुत लेट हो गई हूँ, क्योंकि यार आपको पता है मेकअप करने के लिए टाइम लग ही जाता है, और आज का आउटफिट भी मुझे देखना है क्या है। मैं ना बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि है ना मैंने आज का आउटफिट देखा ही नहीं। आउटफिट क्या है, सिर्फ मम्मी को ही आउटफिट पता है, सोचो लो। मम्मी आज का आउटफिट तो मैंने नहीं देखा, आपने ही देखा है, बताओ ना कैसा है। आज का आउटफिट बहुत अच्छा है। सच में? बताइए नाना। हाय। क्या हुआ? क्या नाम है? नाम तो बताओ आपका। उसके यकीन नहीं हो रहा है। अच्छा बैठो इधर। वो बोल रही थी असली है वो दीदी। असली है? अरे असली हो ना, देखो तो इधर मेरे पास। देखो मैंने लेंस लगा ली, और आज मैंने ना थोड़ी सी डिफरेंट लेंस लगाई है, अब कलर नहीं पता मेरे को। मैं आपको आउटफिट दिखाती हूँ और ज्वेलरी भी दिखाती हूँ। सबसे पहले आप इधर आओ, ये देखो ज्वेलरी। एक मिनट मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ, ताकि आपको समझ में आए। ये देखो, ये है कमर पट्टा, कितना मस्त है ना। ये है हाथ में के बैंगल्स, और ये है गले में का सेट, है ना मम्मी। देखो डन, आज ना मैम ने स्मोकी आईज किए मेरे। मेकअप जो है वो पूरा हो गया है, अभी बस हम हेयर स्टाइल कर रहे हो। हेयर स्टाइल में भी ज़्यादा कुछ नहीं, ओपन हेयर सी है, वो जो बिंदी है ना वो मुझे लगानी है। देखो ना सब मेरा मेकअप करते हैं, पर मैं मेरी मम्मा का मेकअप करूंगी। तो क्या आप रेडी हो मेरा फाइनल लुक, एकदम मस्त गुजराती गरबा लुक देखने के लिए? पापा को बोल, मेरे हाथ में कुछ नहीं है।
तो पापा है ना आ गए हैं मुझे लेने के लिए। चलो अभी है ना पापा के रिएक्शन देखना। आपा बाहर ही है मम्मी, वो देखो गाड़ी वहीं पे। चलो जल्दी मम्मी आप चलो साथ में, नहीं तो पापा को पहले ही दिख जाऊंगी मैं। आप जाओ पहले। पापा कैसे दिख रही हूँ मैं? मस्त दिख रही, एकदम गुजराती दिख रही। चलो फिर चले गुजरात। चलो आओ बैठो। पापा केम छो, मजा मा? मजा मा। बच्चे तू भी आया, वाओ तू कितना मस्त दिख रहा तू। पापा हम गरबा में जाने से पहले ना पानी पूरी खा के आते हैं। चलो मम्मी, कितने दिन हो गए मैंने पानी पूरी नहीं खाई, मैं तो पानी पूरी खाने। अरे उतरे नहीं है लोग। ओह माय गॉड, सोरो जी ये सिगरेट लेके क्यों गाड़ी है तू? पानी पूरी दो मां। अरे दो दो पानी पूरी दो। तो आप सबको पता है मैं गरबा खेलने के लिए कहाँ पे जाने वाली हूँ? हमारे जो करण भैया है ना, उन्होंने बहुत बड़ा डांडिया है ना ऑर्गेनाइज किया है, तो आज भैया ने है ना मुझे वहाँ पे एज ए गेस्ट बुलाया है, तो मैं वहीं पे जाने वाली हूँ गरबा खेलने के लिए। चल। सबसे पहले हम चलते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। देखो यार मुझे है ना प्रॉपर गरबा खेलना नहीं आते, लेकिन है ना हम फिर भी गरबा खेलेंगे। पागल खाना का चालू हो गया वो।
ये पापा को पागल खाने ही लगते है पापा, अच्छा होता है वो। पागल खाना है वो। वहाँ पे बहुत तरीके के अलग अलग लोग रहते हैं। हाँ, अलग अलग लोग, अलग अलग झगड़े, अलग अलग मसाला मजा। चलो कोई बात नहीं, तो चलो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय। मम्मी कितने लाइक्स चाहिए? 1,20,000। हाँ जल्दी से 1,20,000 लाइक कर दो यार, आप सब लोग लाइक नहीं करते। करो बाय। पापा बाय करो, गाड़ी चलाओ के बाय करो अभी। मैं तुम वो सब बोल तो सकते हो। बाय। आप सब लोग सोच रहे होगे कृष्णा कहाँ पे, कृष्णा सबसे पीछे वाले सीट पे सो गया। सो गया। बाय।